अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ का कीमा। कीमा आज हम ऐसा बनाने जा रहे हैं कि कसम से इसका स्वाद आपके मुंह से नहीं जाएगा। बहुत ही टेस्टी होगा, बहुत ही लाजवाब होगा, बहुत ही कम चीज़ों में हम बनाने जा रहे हैं। आपने देखना ज़रूर है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ठीक है। हमने लिया है आधा किलो कीमा लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए, ये धनिया है, अदरक है, नींबू है, ये बाद की चीज़ें हैं, ठीक है, ये बाद की चीज़ें हैं। अभी के लिए आप देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, ये भी हमने बाद में ही डालना है। ये गरम मसाला है, ये साबुत मसाले हैं, जिसमें से आप आपको दिख रहा हो तो काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लौंग है, तो ये प्याज हैं, दो यानी कि दरमियाने साइज़ के प्याज हैं दो, ये तकरीबन 3 टमाटर हैं, ठीक है। टमाटर आपने लेनी है, टमाटर इतने कम नहीं डालने, ठीक है, टमाटरों से बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। अच्छा, मसालों की तरफ चलते हैं। 1 चम्मच मिर्चों का पाउडर है, 1 चम्मच कुटी मिर्चें हैं, ये 1 चम्मच हमारा है, अल्लाह खैर करे, ये है खुशक धनिया का पाउडर जो होता है, 1 चम्मच हमारा नमक है, हल्दी है, आधी चम्मच से भी कम है ये हल्दी, ठीक है, और ये हमारा है, ये है भुना कुटा ज़ीरा जी, इसे भुना कूटना है आपने ज़ीरे को, ये भुना कुटा ज़ीरा है। तो ये सारे मसाले भी मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारी हमारी चीज़ें हैं। स्टार्ट करते हैं अपना कीमा, और कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो आ जाए, 1 कटोरी हमने ऑयल डाला है, अब इसमें प्याज को शामिल करेंगे। प्याज थोड़ा सा ब्राउन करके फिर आगे आपको दिखाते हैं। प्याज जब इस कलर का हो जाए, आपने मसालों को शामिल करना है, जो खड़े मसाले हैं उनको। अभी आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें कीमे को शामिल करेंगे। रेसिपी देखते देखते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ये आपका प्यार और मोहब्बत होती है, हम आपके लिए कुकिंग कर रहे होते हैं, आपके आपको शेयर करते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी सी कुकिंग और रेसिपीज आपके साथ शेयर करते रहें। अच्छा, आप देख रहे हैं कीमे को हम इस तरह से क्यों भून रहे हैं अभी मसाले के बिना, क्योंकि इसका जो पानी होता है ना, उससे खुश करना है। ये सारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हांडी को बहुत ही लजीज और बेहतरीन बनाती हैं। इसका आपने पानी अच्छे से खुश करना है, फिर इसमें मज़ीद मसालों या टमाटर को ऐड करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, हमें 5 से 10 मिनट हो गए इसे भूनते हुए, और इसका जो पानी है ना नीचे से खुश्क हो चुका है, और आपको ऑयल नीचे नज़र आ रहा होगा, पैंदे में आपको पानी नहीं दिखता होगा बिल्कुल भी। अब इसमें हम मसालों को शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी लगा देते हैं ताकि इसके जो मसाले हैं जले नहीं। ये अब टमाटरों को शामिल करेंगे। अच्छा, अब टमाटर भी डाल दिए, सारी चीज़ें इसमें डाल चुकी हैं, अब हम इसमें पानी 1 कप डालने जा रहे हैं, क्योंकि अभी कीमे ने गलना है, उसके बाद ये पानी खुश्क होगा, कीमा गल जाएगा, इसे भूनेंगे। कीमा हमारा तकरीबन गल चुका है, आधा घंटा हमने इसे पकने दिया था, तो कीमा अच्छे से गल चुका है, अब बस इसे भूनना बाकी है। थोड़ा सा भूनेंगे इसे, फिर इसमें गरम मसाला, मिर्चें वगैरह शामिल करेंगे, धनिया वगैरह, मिर्चों को अभी से कर देते हैं, मिर्चें कच्ची नहीं रह जाएं।
कीमा जब अच्छे से भुन जाए आपने लेना है नींबू, नींबू का रस ऊपर शामिल कीजिए। अदरक को शामिल कीजिए, हरे धनिया को डालिए, गरम मसाले को शामिल जिस पे करना होता है हैंड में।